दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जन आधार ई वॉलेट के अंदर आपका जो शेड्यूल है वो नहीं ओपन हो रहा है, इसका सोल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते जन आधार ऐप को ओपन कर लेना है, अपग्रेड KYC पे क्लिक करना है। जैसे देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो 15 तारीख को शेड्यूल मैंने किया था, मेरा सूख गया था टाइम। अब देखिए ये ओपन नहीं हो रहा है, तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यही प्रॉब्लम आ रही है, मैं 15 को किया था प्रॉब्लम। अब आपको बाहर आ जाना जन आधार एप्लीकेशन से। अब सिंपल सा प्ले स्टोर के ऊपर आपको क्लिक करना, प्ले स्टोर के अंदर जन आधार ई वॉलेट एप्लीकेशन सर्च करना है और यहाँ से आपको अपडेट कर लेना, क्योंकि देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा जो भी फीचर्स है, नए नए फीचर्स यहाँ पर जोड़े गए हैं, तो कुछ बग्स थे उनको फिक्स किया गया है यहाँ पर। तो क्या इससे क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखते हैं इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसको अपडेट कर लेते हैं। सिंपल सा अपडेट करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं जो भी UPI लोड मनी बग्स थे उनको सॉल्व किया गया है, और इंदिरा गांधी पेमेंट भी यहाँ पे बार कोड जोड़ा गया है, मर्सेंट का बार कोड यहाँ पे जोड़ा गया है। इसके बाद में जन आधार ऐप को ओपन कर लेना है और फिर से वहीं जाना है, लॉग इन करके यहाँ पर आपको शेड्यूल लगा देना है। अपग्रेड KYC पे क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं वही प्रॉब्लम आ रही है फिर से। तो इसका और एक और सोल्यूशन है आपको बताता हूँ मैं आपको। सिंपल सा होम स्क्रीन पे आना है और जन आधार एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐप इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे देख सकते हैं मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, तो ऐप इन्फॉर्मेशन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टोरेज यूजेस, इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है, यहाँ पर क्लियर कर देना डाटा, सारा का सारा डाटा क्लियर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर किया। अब इसके बाद में जन आधार एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर से जन आधार एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करना है। अब सिंपल से हम ओपन कर लेते हैं, फिर से वही आएगा जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो पहली बार जब इंस्टॉल करेंगे वही प्रोसेस आएगा। इसके बाद में रीड एंड एक्सेप्ट पे अलाउ कर देना, जो भी आपसे परमिशन मांगता है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट एप्लीकेशन है तो आपसे कोई ऐसी सॉरी नहीं करेगा। यहाँ पर जाने के बाद फिर से लॉग इन कर लेते हैं हम। अब इससे भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो आपको तरीका बताऊँगा आगे, देख सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में अब प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी यही सेम प्रॉब्लम हमें सो फेस हो रही है। तो इसका प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन यही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इंदिरा गांधी के जो कैंप है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के कैंप है, वो लग चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो भी KYC पॉइंट है वहाँ पर, क्योंकि सारा का सारा जो KYC हो रहा है वहाँ पर शेड्यूल पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्योंकि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत उनके भी जितने लाभार्थी हैं उनकी भी KYC ज़रूरी है, 40 लाख महिला है, तो 40 लाख महिलाओं की KYC जरूरी है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोई भी स्लॉट खाली नहीं है इस वक्त। तो जब तक स्लॉट खाली नहीं होगा तब तक आप चेक करते रहिए, जब भी स्लॉट ओपन होता है, खाली होता है, तो आपको सो